गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई अमित कुमार, आई विल वेलकम यू ऑल इन आईआईटी मंथन. तो आज हम कुछ ऐसा स्पेशल टॉपिक करने वाले हैं जिससे कि हमें पता लगेगा कि अलग अलग चीज़ों को हम अलग निकालते हैं तो किस किस तरीके से हम निकाल सकते हैं. और सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड्स, और अगर मैं बोलता हूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड, तो इनका डिफरेंस क्या है, इनके मीनिंग का डिफरेंस क्या है, मैं आज आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं. तो जैसे कि हमें पता है कि डिस्टेंस, तो चैप्टर आपका है मोशन, वी नो दैट दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी गिवन बाय S, S सिंबल होता है. तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल मैं T को N पुट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है. N इज ऑल्सो ए टाइम, मीन्स S क्या आ जाएगा N के टर्म्स में. S इज इक्वल टू, व्हाट इज N? N इज द टाइम और नंबर ऑफ सेकेंड्स. ठीक. अब देखिए, सपोज कीजिए कि अगर मैं यहां से चला ए से सी तक पहुंचने में मैंने 10 सेकेंड लगाए. कितने लगाए? 10 सेकेंड. तो ए से सी तक पहुंचने में मैंने कितने लगाए? 10 सेकेंड लगाए. तो मान लो पूछता है कि, और वो कह रहा है कि 10 सेकंड में उसने 20 मीटर ट्रेवल कर लिया. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड इज 20 मीटर. तो अगर 10 सेकंड में उसने 20 मीटर ट्रेवल किया, तो अगर वो पूछता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8th सेकंड और सपोज 9th सेकंड, तो अगर देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, इट मीन्स 9 सेकंड ये हो गया. ठीक. तो 9 सेकंड पूछ रहा है वो. देखिए, फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ. ठीक. तो इट मीन्स इस वाले में मीन्स 8 to 9 मीन्स 8 सेकंड से लेकर 9 सेकंड उसने ट्रेवल कितना किया. अब देखो, अब क्योंकि 10 सेकंड तक ट्रेवल कितना कर रहा है वो 20, मीन्स एस 10 क्या है 20 मीटर है, और एस 9 कितना है, एस 9 कितना होगा वो मुझे निकालना है. तो अगर मुझे एस 9 वो कह रहा है कि 15 है, सपोज एस 9 वो बोल रहा है कि एस 9 क्या है 15 मीटर है, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 सेकंड में वो कितना है 20 मीटर है, और 9 सेकंड में किया उसने 15 मीटर. इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट सेकंड में, इट मींस एस टेंथ में उसने कितना किया 5 मीटर. इट मींस एस एन विल बी इक्वल टू एस एन माइनस वन. देखो, एस टेंथ निकालना मींस सिर्फ दसवें सेकंड का, तो इसको हम बोलते हैं एस एन. क्या आएगा, 10 सेकंड में कितना किया उसने 20 मीटर, और 9 सेकंड में किया उसने 15 मीटर, कितना आ गया 5 मीटर आ गया. ये ध्यान से देखो एक बार, कितना आ गया 5 मीटर. इट मींस ए से लेकर सी तक उसने ट्रेवल किया 20 मीटर, और ए से 9 सेकंड तक कितने किया 15 मीटर. इट मींस इस पर्टिकुलर टाइम में इतना इसने कितना किया है 5 मीटर. तो ये कैसे आया S10 - S9. तो अब हम वी आर फाइंडिंग द जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड. तो n मेरा टाइम है, तो Sn क्या है,
यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक, और एस एन माइनस वन क्या होगा, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इसको खोल लीजिए, एन माइनस वन, तो एस एन माइनस एस एन माइनस वन, इसको हम बोलते हैं। तो एस एन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड, और ये क्या है एन माइनस वन सेकेंड, तो ये क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन एच सेकेंड। तो एस एन, एस एन हमारा है हाउ मच, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, दिस विल बी, तो इसको पहले मैं खोलता नहीं हूं, ए लिखा एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस ए एन। नाउ यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, खोल रहा हूं ब्रैकेट से, माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए एन, यू एन से यू एन कैंसिल, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए कैंसिल, तो क्या बचा, यू बच गया, एक तो यू बचा यहां पर, और क्या बचा, हाफ ए और ए एन। तो अगर मैंने हाफ ए बाई टू मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, टू एन माइनस वन, देखिए यू यहां पर आ गया, इन दोनों में मैंने ए बाई टू कॉमन ले लिया, तो अगर ये ए एन है तो ए बाई टू किस मल्टीप्लाई करूं, टू एन से, एंड दिस विल बी माइनस वन, तो क्या आ गया, तो दिस इज योर डी एन, तो डी एन क्या आ गया, डी एन इज u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस, तो क्या आ गया, डी एन इज u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, ये क्या आ गया, ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड और इवन से लास्ट सेकेंड। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर जर्नी की बात कर रहा हूं, अगर कोई भी बॉडी 10 सेकेंड मूव किया, तो अगर उसने 10 सेकेंड जितना मूव किया और 9 का भी दे रखा है, तो लास्ट के मीन्स 9वें सेकंड से लेकर 10वें सेकंड तक उसने कितना ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड ऑफ एनएस सेकंड विल गिवन बाय यू प्लस ए बाय टू टू एन माइनस वन, ठीक है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा वेक्टर के बारे में, बात करते थोड़ा सा वेक्टर के पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, क्योंकि अब तक हमने किया कि स्पीड ऑफ द बॉडी निकाल ली, स्पीड ऑफ द कार निकाल लिया, एवरेज स्पीड निकाल लिया, एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। तो अगर अब हम सपोज वी वांट टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव स्पीड, थोड़ा इसको समझ लो, तो वेक्टर में हमेशा हम एरो यूज करते हैं, एरो। तो सिर्फ एक लो समझ लो, उस लो से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि उस लो में है क्या। देखो वेक्टर में हमें पता है कि मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ इसका मतलब ये हुआ
कि अगर कोई चीज कहीं भी मूव कर रही है तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। इट मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंस है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन के हिसाब से हम उसका आंसर को जस्टिफाई करेंगे। अब इन वेक्टर्स को देखते हुए उन्होंने एक लॉ बनाया, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, ये लॉ क्या कहता है कि मान लो मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, फिर मैंने एक और वेक्टर ड्रॉ किया, तो वो ये कह रहा है कि अगर मैंने एक वेक्टर ए वेक्टर ड्रॉ किया इस तरह से कि उस वेक्टर का टेल टेल जो है वो अगले वेक्टर के सॉरी ए वेक्टर का हेड अगले वेक्टर के मीन्स बी वेक्टर के टेल के साथ मिल रहा हो, कोइंसाइड कर रहा हो। मीन्स अगर मैं दो वेक्टर को बना रहा हूं, दोनों वेक्टर में से पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कोइंसाइड करे, तो उस केस में रिजल्टेंट आंसर जो देगा वो होगा वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। इट मीन्स दिस इज सपोज दिस इज ओ, दिस इज पी क्यू आर, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज योर रिजल्टेंट आर, दिस विल गिवन बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो जब आपके पास दो वेक्टर हों और वो वेक्टर इस तरह से ड्रॉ किए गए हों कि पहले वेक्टर का हेड दूसरे के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा हो, उस केस में अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो वो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, जब आप पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक वेक्टर बनाओगे वो वेक्टर आपको बताएगा कि रिजल्टेंट क्या है। वो कैसे बताएगा, पी क्यू प्लस क्यू आर विल गिव यू पी आर, पी से क्यू जा रहा है, क्यू से आर जा रहा है और यहां का जा रहा है पी से आर जा रहा है। तो मीन्स वेन एवर यू आर हैविंग टू वेक्टर्स ड्रोन इन सच ए वे दैट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर, देन द रिजल्टेंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो ये टेल ये लास्ट, ठीक है, रिजल्टेंट। तो क्या हुआ, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, सो इट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। तो आर क्या आ गया, सो आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसको हम आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए ट्रायंगुलर लॉ मुझे आ गया, अब मैं इसको ए नंबर ऑफ साइड्स के लिए मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल कैसे, देखिए अब इसको बोलेंगे पॉलीगॉन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए मैंने एक वेक्टर ये बनाया, दिस इज ए वेक्टर, एक वेक्टर मैंने ये बनाया, बनाएंगे वैसे ही कि पहले का हेड अगले के टेल के साथ, फिर अगले का हेड उससे अगले के टेल के साथ, फिर उसका हेड उससे अगले के टेल के साथ। तो ए वेक्टर ये बनाया, ए का हेड बी के टेल के साथ, बी का हेड सी के टेल के साथ, डी का टेल सी के हेड के साथ, ई का टेल डी के हेड के साथ। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 सिक्स साइड्स बनेगी, अभी बनी नहीं है। इट मीन्स इट विल बी हैविंग मोर देन थ्री साइड्स, इट इज कॉल्ड पॉलीगॉन, इसको हम पॉलीगॉन बोल देते हैं। हालांकि हेक्सागन बनेगा अगर सिक्स साइड और बन जाएगी, तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी ऐसा ही है
कि अगर हम पहले वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, पहले का हेड अगले के टेल के साथ, दूसरे का हेड अगले के टेल के साथ, फिर तीसरे का हेड फोर्थ के टेल के साथ, फिर फोर्थ का हेड पांचवे के टेल के साथ, और इसी तरह से हम चलते रहेंगे, तो ऐसे केसेस में आपके कितनी भी साइड्स हों तो आपका रिजल्टेंट आएगा पहले वेक्टर के टेल से लेकर लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक। तो देखिए हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, और ये टेल है पहले की और ये लास्ट का हेड है, तो दिस विल बी योर रिजल्टेंट। ठीक, तो पहले दो को लेंगे हम, तो दो के लिए क्या बनेगा, ये बनेगा, फिर क्या आ जाएगा, आर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा। अब इसको भूल जाइए, एक साइड ये ट्रायंगल की एक साइड ये है, तो अब क्या बनेगा, यहां से यहां तक, तो ये सी ये प्लस बी, तो आर क्या बन जाएगा, आर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब इसको भूल जाइए, अब क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ये डी है ये प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या आ जाएगा, दिस आर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये वैल्यू आ गई। अब इसको भूल जाइए, ट्रायंगल ये बन गया, सिर्फ मीन्स पहला दूसरा और रिजल्टेंट, तो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसकी वैल्यू है प्लस में ई इज द रिजल्टेंट, तो आर क्या आ गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये आपका आ गया रिजल्टेंट। मीन्स इन दिस वे वी विल फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ए गिवन वेक्टर्स व्हेनेवर यू आर हैविंग मोर देन वन साइड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बिकॉज व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर, बिकॉज इसमें हम साइड्स बहुत सारी यूज कर रहे हैं, लेकिन रूल हम अप्लाई कर रहे हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वाला, कि पहले का हेड दूसरे के टेल के साथ, दूसरे का हेड तीसरे के टेल के साथ, सो ऑन। मीन्स हर पहले वेक्टर के हेड का हेड को कौन साइड करेंगे, अगले वेक्टर के टेल के साथ, एंड द रिजल्टेंट विल बी, अगर आप बहुत से साइड ऐसे बना रहे हो, क्या है रिजल्टेंट, पहले वेक्टर से आखिरी वाले वेक्टर के हेड तक जो वेक्टर बनेगा वो आपका रिजल्टेंट बताएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा और देख लेते हैं, अब मान लो ये ग्राफ है कोई हमारे पास, और ये हमारे पास है ओरिजिन, ये हमारे पास है ओरिजिन, तो मैंने इस ओ पॉइंट से एक वेक्टर की पोजीशन बनाई, दैट इट इज वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए मान लिया मैंने, ठीक, तो इसकी पोजीशन मैंने मान ली, सपोज आर ए मान ली, आर ए, ठीक, मीन्स ओ ए इज द पोजिशन वैक्टर। ये क्या बता रहा है कि ए की पोजिशन ओ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है, ओ ए बताएगा। ठीक है, तो ये बना दिया, एक मैंने बना दिया ओ बी, तो ये मैंने मान लिया आर बी। ठीक, फिर मैंने, अब ये है ए की पोजिशन और यह है बी की पोजीशन, तो दिस विल बी योर आर ए माइनस आर बी। अभी तो ये तो ये अभी लिख लो, बताता हूं कहां से है। अब देखो, अगर आप देखोगे मैंने क्या किया, ये ओरिजिन पे था, ये पहले दोनों पार्टिकल ए और बी ओरिजिन पे थे, ओरिजिन से चलकर मान लो ए यहां पर आ गया, बी यहां पर आ गया, तो मैंने बोल दिया कि ओ ए क्या है, ओ ए मेरा पोजीशन वेक्टर है, जो कि ये बता रहा है कि ए की पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है। इट मींस पहले वो ओरिजिन पे था, अब चलकर ए पर आ गया, मैंने आर ए मान लिया, मींस आर ए इज द पोजीशन वेक्टर ओ ए। नाउ आर बी इज द पोजीशन ऑफ द बी रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो मुझे ए और बी का निकालना है, तो क्या करेंगे, देखो ट्रायंगुलर लो, पहला वेक्टर का हेड
दूसरे के टेल के साथ, तो दो ही वेक्टर हैं, तो रिजल्टेंट क्या बनेगा? व्हाट रिजल्टेंट? मुझे ये निकालना है एक्चुअली। तो क्या करोगे रिजल्टेंट में? देखो मैं इसका नाम देता हूं OB प्लस OA, सॉरी BA इज इक्वल टू OA। देखिए OB प्लस AB, BA सॉरी OB प्लस BA इज इक्वल टू OA अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। तो हमें BA निकालना है। BA इज इक्वल टू व्हाट इज OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। OA क्या है? RA वेक्टर माइनस RB वेक्टर। तो ये क्या आ गया? ये आ गया, दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर A एंड B, RA माइनस RB। तो ये पहला पार्टिकल A चला, फिर B चला, तो आपने क्या निकाल दिया? व्हाट इज दिस? अब ये क्या निकाला आपने? ये आपने निकाला कि व्हाट इज BA, समझे? BA बन गया। BA मतलब क्या है कि अगर B अपनी पोजीशन से चला और A की तरफ चला, तो मैंने क्या निकाला? दिस इज द पोजीशन ऑफ, देखिए BA क्या है, जो B पार्टिकल है वो VP पे है। अगर B ने A की तरफ चलना स्टार्ट किया, B ने A की तरफ चलना स्टार्ट किया, तो B का डिस्टेंस A के कंपैरिजन में क्या होगा? इट मींस A माइनस B, पोजीशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। ठीक, तो यहां से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अब जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट है वो यहीं से आता है। तो यहां पर क्या है कि BA क्या है, जब B ने A की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, तो B की पोजीशन A के मुकाबले क्या है? तो मैंने क्या निकाला कि A की पोजीशन में से B की पोजीशन घटा दी, तो वो मुझे क्या बताएगा कि B मेरा A के कंपैरिजन में कितनी दूरी पर है। ठीक, तो अगर ये RA माइनस RB मेरा पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि B का डिस्टेंस, B का पोजीशन A के मुकाबले कम दूरी पे है, क्योंकि अगर ये वैल्यू कम होगी ये ज्यादा होगी तभी इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर ये ज्यादा होगी ये कम होगी तो ये आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो अब इसी कंसेप्ट से हमारा क्या आता है? रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, देख लीजिए एक बार, सुनो, कम ऑन टू रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। रिलेटिव वेलोसिटी, अब समझिए इसको, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव में पता क्या होता है? वेलोसिटी। इट मींस हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास अगर दो पार्टिकल हैं और दोनों ही मूव कर रहे हैं, तो अगर मुझे एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालनी है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। इट मींस वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल, वो कैसे निकलती है। तो अभी हमने पोजीशन निकाली थी, सपोज करो एक ए पार्टिकल है, वो यहां से मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी ए। ठीक, दूसरा पार्टिकल है बी, वो कर रहा है मूव बीबीबी से। ठीक है, तो इसमें टर्म्स है स्टैंडर्ड वी ए बी। वी ए बी का मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये कैसे निकलेगी? दिस इज गिवन बाय वी ए माइनस वी बी। तो अगर मैं निकाल रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल
विद रिस्पेक्ट टू बी पार्टिकल, तो क्या आएगा, ए की स्पीड में से बी की स्पीड घटाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो VA आपका चल रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और VB अगर चल रहा है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अगर मुझे ये पता करना है कि A की स्पीड, रिलेटिव स्पीड B के रिस्पेक्ट में क्या होगी, इसका मतलब वो ये बताएगा कि A B से कितना तेज चल रहा है या कितना स्लो चल रहा है। तो अब देखिए VA, VA है 36 और ये 24, कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब क्योंकि ये जो आंसर आया है ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये हुआ कि VA की वेलोसिटी VB की वेलोसिटी से 12 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। अगर यही डिफरेंस नेगेटिव आता, मान लीजिए अगर ये 36 है और ये आपका होता 54, तो क्या करते आप 54 और ये कितना आ जाता, माइनस का 18 आ जाता। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 18 में क्या हुआ कि ए की स्पीड बी से 18 किलोमीटर पर आवर कम है। इट मींस ए कम स्पीड चल रहा है और वी तेज चल रहा है, या आप ये कह सकते हो कि बी की स्पीड ए की स्पीड से 18 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो ये मतलब है इसका रिलेटिव वेलोसिटी का। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यही है, यहीं से आपको पता लगेगा कि आपको जो चीज निकाल रहे हो वो कैसे निकलेगी। देख लीजिए इसको, आई थिंक क्लियर है, क्लियर, ओके। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो आज हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा थोड़ा सा कि वेक्टर क्या होता है और वेक्टर्स के बारे में किस तरह से कॉन्सेप्ट को समझा जाए। तो वेक्टर्स को समझने के बाद हमें ये पता लगा कि हम पोजिशन वेक्टर कैसे निकालते हैं और वेक्टर एडिशन कैसे होता है। हम वेक्टर में डायरेक्टली ऐसे ऐड नहीं कर सकते कि सिंपली 2+3 5, नहीं, क्योंकि वेक्टर एक अलग चीज है जिसमें डायरेक्शन भी है कि मान लो 3 किलोमीटर प्रति घंटा वो जा रहा है, क्या कहते हैं उसको, ईस्ट में, ठीक है, और वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है आपका उत्तर में, नॉर्थ में, तो आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो इनमें बहुत डिफरेंस है। सिंपल एडिशन एंड वेक्टर एडिशन इज द डिफरेंट थिंग। वेक्टर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं कि जैसे अगर मैं कर रहा हूं कि ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, क्योंकि ये क्या सिंपल एडिशन है कि अगर मैं ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड करूंगा या बी वेक्टर में ए वेक्टर ऐड करूंगा तो वो चीज सेम होगी। मीन्स एडिशन इज कॉल्ड कॉमुटेटिव। इसको क्या बोलते हैं कि एडिशन क्या है, कॉमुटेटिव है, कि जैसे हम सिंपल 3 में 4 ऐड करेंगे या 4 में 3 ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। इसी तरह से वेक्टर एडिशन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इट मींस ए वेक्टर की जो भी वैल्यू होगी अगर उसको मैं सिंपली ऐड करूंगा बी वेक्टर में अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन, दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ बी वेक्टर एडेड विद वैल्यू ऑफ ए वेक्टर। इट मींस एडिशन इज कॉमुटेटिव। इट मींस एडिशन का भी वही फंडा है जैसे हम एल्जेब्रिक एडिशन करते, लेकिन तरीका अलग है। हाँ, एडिशन का आंसर वही आएगा। जैसे मान लो मैं दो चीजों को ऐड करता हूं, 3+4 7 आ गया और 4+3 7 आ गया, तो कहने का मतलब कि आंसर वे सेम है। इट मीन्स अगर मैं पहली चीज में दूसरी चीज जोड़ूं, जो आंसर आएगा वो आंसर उतना ही होगा जो कि मुझे दूसरी चीज में पहली चीज जोड़ने पे मिलेगा। ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। फिर हमने पढ़ा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कि हम एडिशन करते कैसे हैं। जैसे हमने पढ़ा कि हमने एक वेक्टर बनाया, उसका एक हेड होगा और एक टेल होगा, ठीक है। तो अगर हमने एक वेक्टर बनाया, उसका पहले वेक्टर का हेड अगले वाले के टेल के साथ मैच कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, फिर अगले वाले का जो हेड होगा, अब हमें क्या करना है, हमारे पास बात करें ट्रायंगुलर की,
ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं, तो एक वेक्टर बनाया उसका हेड दूसरे के टेल के साथ, तो अगर मुझे उस पर्टिकुलर ट्रायंगल के लिए रिजल्ट निकालना है वो कैसे निकलेगा, पहले वाले के टेल से बाद वाले के हेड तक आपका क्या निकलेगा, रिजल्टेंट निकलेगा। ठीक, तो हमने निकाला था आर वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर हमने उस ट्रायंगुलर लॉ को ही एक्सटेंड कर दिया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। मींस पहले मैंने दो हेड का निकाला, थर्ड साइड का रिजल्ट आ गया, वो थर्ड साइड अगली साइड से मैच करके एक और ट्रायंगल बनाएगी, फिर जो एक और रिजल्ट आएगा वो अगली साइड से मिलकर एक और ट्रायंगल बनाएगी। इन दिस वे यू विल अप्लाई द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और फाइंडिंग द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। रूल वही रहेगा कि पहले का हेड दूसरे के टेल के साथ, दूसरे का हेड तीसरे के टेल के साथ, तीसरे का हेड चौथे के टेल के साथ, चौथे का हेड पांचवें के टेल के साथ, और पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड आपको रिजल्टेंट बताएगा कि पॉलीगोन का रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक, फिर हमने किया पोजिशन वेक्टर। जैसे हमने एक ओरिजिन से बनाया, ओरिजिन से दो पार्टिकल चले एक ए और एक बी, तो मैंने दोनों को एरो से बना दिया। मैं निकालना चाहता हूं कि बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में क्या है, वो कैसे निकलेगा, ओ ए माइनस ओ बी, इट मींस ओ ए का ओरिजिन जो डिस्टेंस होगा वो माइनस बी का ओरिजिन से होगा। इट मींस मैं क्या कर रहा हूं, अगर बी ए निकाल रहा हूं, इट मींस मैं बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहा हूं, इट मींस ए के डिस्टेंस में से बी का डिस्टेंस घटाऊंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, पोजिशन वैक्टर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी बेसिस पे हमने क्या पढ़ा, रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट, कि अगर मेरे पास एक बॉडी ए वी ए चल रही है, दूसरी बॉडी बी वी बी से चल रही है, तो अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो क्या करूंगा, बॉडी ए की वेलोसिटी में से बी की वेलोसिटी घटा दूंगा। और ये एक्चुअली हमें बता क्या रहा है, अगर मैं ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं तो मुझे ये पता लग रहा है कि बी जो ए पार्टिकल है वो बी के रिस्पेक्ट में कितना तेज या कितना स्लो चल रहा है। अगर वी ए माइनस वी बी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इट मींस वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या है, वो पॉजिटिव है और ए पार्टिकल आपका बी से तेज चल रहा है। और अगर वी ए माइनस वी बी की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसका मतलब ये हुआ कि ए पार्टिकल बी से स्लो चल रहा है और आप कह सकते हो बी पार्टिकल ए से तेज चल रहा है। सो टुडे वी हैव डन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट एंड पोजिशन वेक्टर कंसेप्ट। सो टुडे लेक्चर इज ओवर, सो काइंडली गो थ्रू वीडियो लेक्चर्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो मोर एंड मोर सो दैट इट विल गिव यू बेनिफिट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मोशन, दिस इज द एडवांस्ड टॉपिक ऑफ मोशन। So till then, take care, be safe, stay at home. Thank you so much.